तो फ्रेंड्स, आज मार्केट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था। आज वीकली कैंडल की क्लोजिंग थी और वीकली कैंडल की क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, जिसके वजह से हमें ये पता चलता है कि आने वाले वीक में क्या ट्रेंड रहेगा, कैसा मार्केट का मूड रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट क्या मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है आने वाले वीक में। उससे भी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि अब मार्केट की 3 दिन की छुट्टी है, सैटरडे, संडे और मंडे। अब मार्केट डायरेक्ट खुलेगा ट्यूसडे के दिन, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इन 3 दिनों में वीकली एक्सपायरी रहेगी जिसमें हमें बहुत बड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है मार्केट में। तो यहाँ से या तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या तो हमें यहाँ से कंसोलिडेशन देखने मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने सेटअप पर और स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है सूरज तिवारी, आप सब देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल द अनप्रेडिक्टेबल मार्केट। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट खोल रखा है, वीकली चार्ट, क्योंकि आज वीकली कैंडल की क्लोजिंग थी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है वीकली कैंडल को एनालाइज करना। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे कि पिछले कुछ हफ्तों से हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा बुल रन देखने मिल रहा था, एक बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल देखने मिल रही थी, तो अचानक से इस हफ्ते ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल देखने मिली। अगर आप देखोगे तो पिछले 7-8 हफ्तों के बाद हमें एक रेड कैंडल देखने मिली है वीकली चार्ट पर। तो क्या यहाँ से मार्केट में ट्रेंड रिवर्सिबल आएगा और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा या वापस यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मार्केट में अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड है, अभी भी जो मोमेंटम है मार्केट का वो बहुत ही हाई है और बहुत ही अच्छे प्रॉफिट बन सकते हैं हमारे मार्केट में। तो क्योंकि आज वीकली कैंडल की क्लोजिंग थी तो वीकली कैंडल हमें बहुत कुछ बता दिया है कि आने वाले हफ्ते में हमें क्या देखने मिल सकता है। तो अगर आप देखोगे इस हफ्ते की कैंडल में लगभग सब कुछ हमें देखने मिला है, ऑल टाइम हाई को भी टच किया और बहुत ही बड़ा हमें करेक्शन भी देखने मिला। अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई को टच किया था इसने 21,600 के आसपास, उसके बाद जो यहाँ से रिजेक्शन देखने मिला हमें 20,900 के आसपास हमें देखने मिला, एक बहुत ही बड़ा रिजेक्शन था निफ्टी 50 के लिए और पूरे मार्केट के लिए भी। उसके बाद वापस से मार्केट यहाँ से रिकवर हुआ और अपने लो से, अपने इस इंपॉर्टेंट लो से ऊपर की तरफ, लगभग 80% ऊपर की तरफ इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया है। एक बहुत ही बड़ी वीक बनी हमें नीचे की तरफ, जो कि ये बताता है कि मार्केट में अभी भी बुल्स का डोमिनेशन है, जो कि ये बताता है कि मार्केट का जो मोमेंटम है अभी भी बहुत अच्छा है। तो आगे के एनालिसिस के लिए हम चलते हैं वनडे के चार्ट पर। तो अगर आप वनडे का चार्ट देखोगे तो वेनसडे के दिन हमें एक बहुत बड़ा रिजेक्शन देखने मिला, उसके बाद यहाँ पर 2 दिन लगातार रिकवरी देखने मिली हमें निफ्टी 50 में, उसके साथ साथ वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे आए हैं। तो अभी 3 दिन मार्केट की छुट्टी है, तो जब मंडे को मार्केट, तो जब ट्यूसडे को मार्केट खुलेगा तो ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो वहाँ पर लगातार हमें एक एक्सपायरी का माहौल देखने मिलेगा, वीकली एक्सपायरी का। तो वहाँ पर ऐसा हमें देखने मिलेगा कि मार्केट जो है यहाँ से काफ़ी ऊपर जाए या यहाँ पे हमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने भी मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की, तो निफ्टी 50 के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो अभी भी 20,800 और 20,900 रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की, तो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी के लिए बन जाता है 21,500। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब जब निफ्टी 50 आपको 20,800 या 900 के आसपास दिखे वहाँ से बाय करके चलना है, क्योंकि वहाँ से हमें बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात कर ले बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी बहुत ही अच्छा मोमेंटम बन रहा है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की भी वीकली कैंडल की क्लोजिंग थी तो वहाँ पर भी बहुत एक हमें अच्छी पिक्चर बनते हुए दिख रही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस कैंडल में भी लगभग अपने लो से 50% ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है। हाँ, थोड़ा सा बैंक निफ्टी में हमें एक डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है आने वाले वीक में, पर जो एक 60% जो मोमेंटम रहेगा वो पॉजिटिव मोमेंटम ही रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर भी जाए या यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन देखने भी मिल सकता है। तो क्या रहेगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और क्या रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इस टाइम पे बैंक निफ्टी के लिए है वो है 48,000। उसके बाद अगर हम बात कर ले सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की, तो जो इनिशियल सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए वो है अभी 47,163, और अगर इसको ब्रेक करता है तो 46,886 सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है बैंक निफ्टी के लिए। तो जब जब बैंक निफ्टी हमें 46,800 के आसपास देखने मिलेगा यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ बाय करके चलना है, प्रॉफिट को एंजॉय करना है। उसके बाद अगर हम बात करें HDFC की, HDFC में भी एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम बन रहा है, क्योंकि HDFC बैंक काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट रखता है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, इसके लिए इसको भी एनालाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप देखोगे वीकली कैंडल की जो क्लोजिंग हमें यहाँ पर देखने मिली, यहाँ पर देख रहे हो कि पिछले वीक की जो क्लोजिंग थी वो एक बड़ी पिन बार की क्लोजिंग थी, उसके बाद इस वीक में भी लगभग अपने 40-60% नीचे की तरफ कैंडल ने क्लोजिंग दिया है, जो कि ये बताता है कि HDFC बैंक में थोड़ा सा हमें इनडिसीजन देखने मिल सकता है इस वीक में और उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल भी देखने मिल सकता है। पर उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस हफ्ते की कैंडल ने अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। तो अगर आने वाले वीक में अगर हमें पॉजिटिव ओपनिंग देखने मिलती है या गैप अप ओपनिंग देखने मिलती है
तो हमें HDFC बैंक लगभग 1700 के आसपास जाते हुए देखने मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात कर ले ICICI बैंक की, तो ICICI बैंक में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम बन रहा है। अगर आप ICICI बैंक के वीकली कैंडल को देखोगे तो वीकली कैंडल बहुत कुछ बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक डार्क क्लाउड जैसा एक कैंडल फॉर्म हुआ है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो ICICI बैंक में ऐसा हमें देखने मिल सकता है इस हफ्ते में कि अच्छी खासी सेलिंग हो, और जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा ICICI बैंक के लिए वो 970 के आसपास हमें देखने मिल सकता है। तो मार्क कीजिए पॉइंट को और ट्रेड लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कि मैं जो भी एनालिसिस आप लोग को देता हूँ वो सिर्फ एक स्टडी पर्पज़ के लिए है, या कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग प्लानिंग अपने फाइनेंशियल प्लानर से पूछ के कीजिए। थैंक यू।